आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार ग्रंथ की रचना की है। गोमरसार के दो भाग है, एक जीव कांड एक है कर्म कांड है। आचार्य जी ने और भी ग्रंथों की रचना की है, मालूम है कोई? लब्धि सार, क्षपणा सार है, त्रिलोक सार है और बृहद द्रव्य संग्रह है, इन्हीं की रचना है। तो इसमें से अभी हाँ जीव कांड का जो प्रकरण है उसमें से मार्गणाओं में से ज्ञान मार्गणा की बात हम देख रहे थे। पहले हमने मति ज्ञान, फिर उसके भेद प्रभेदों को देखा। श्रुत ज्ञान में भी हमने बहुत विस्तार से देखा कि उसके अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भेद, उसके प्रभेद वगैरह वगैरह की बात देखी। अभी हम अवधि ज्ञान की बात देख रहे थे। अवधि ज्ञान के मूल दो भेद देखे हमने, कौन से लिखा है आपको पढ़ना है? हाँ, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय किसके होगा? जो नियम से होता है, उस भव में नियम से होता है उसको भव प्रत्यय कहेंगे। तो देवों के और नारकियों के तो होता ही है, उस भव वाले जीवों का अवधि ज्ञान तो नियम से पाया जाएगा, तो उसको कहेंगे भव प्रत्यय। गुण प्रत्यय सम्यक्वादि गुणों की अपेक्षा जो होते हैं, सम्यक तो है, संयम है, उसको कहेंगे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय वो देशावधि ही है, ही लगाया, क्योंकि परमावधि और सर्वावधि वाले जो भेद है वो संयमियों के, संयमी और वो भी कौन से? चरम शरीरी, उसी भव में मोक्ष जाने वाले जो मुनिराज है उन्हीं के होते हैं। ये कोई प्रश्न आया था कुछ, देवगति में संयम नहीं है, किस अपेक्षा से? तो किस अपेक्षा से है ये पहले बताओ, ये किसका प्रश्न है? हाँ जी हाँ, तो देखो संयम किसको कहेंगे? संयमियों के गुणस्थान, गुणस्थानों की भाषा कर रही है, आपका कुछ अभ्यास हो तो कौन से गुणस्थान से जीव संयमी कहलाते हैं? हाँ, पांचवें नहीं, छठे से लेकर ऊपर। देश संयम को संयमी नहीं कहेंगे, देश संयमी कहेंगे, पार्शल है, संयमा संयम है, वहाँ संयम है कितने और असंयम है, असंयम कितना है? 12 प्रकार के अविरति में से 11 अविरति तो चालू है, एक त्रस संबंधी हिंसा का त्याग हुआ है। तो संयम केवल बाह्य कितना वो यम संयम पालन करते उसको संयम नहीं कहते हैं। संयम यानी उतनी वितरागता पूर्वक जो बाह्य व्रत आदि तो होते ही है, उसके बिना गृहस्थ में है चाहे जैसा स्वच्छंदी हो और उसको अंतरंग में इतनी वितरागता प्रकट हो, ये तो कभी नहीं हो सकते। जिन्होंने बिल्कुल विधिपूर्वक दीक्षा अंगीकार करके पहले मुनिपद तो बाह्य से तो लिया है और फिर ध्यानावस्था में उनके तीन कषाय चौकड़ी का जो अनुदय हो जाता है, इतनी वितरागता उत्पन्न होती, उसको कहेंगे संयम। केवल व्रतादि पालने को यम कहते हैं, द्रव्य यम कहते हैं। क्यों सिंगत कर जी, आपने सुन पढ़ा है ना, धवला में बात आती है, उस बहुत बार आती है, उसको द्रव्य यम यानी मिथ्या दृष्टि है। उसने व्रतों का अंगीकार करने का निषेध नहीं है, परंतु व्रत अंगीकार किए तो मेरे गुणस्थान बढ़ गए हैं, मैंने प्रतिमा अंगीकार की तो मैं पांचवें गुणस्थान वाला हो गई, ऐसा अगर कोई मानता है तो ये मान्यता गलत है। व्रतों से, बाह्य व्रतों से गुणस्थान नहीं बढ़ते, आत्मा के अनुभूति हो जाए उसमें स्थिरता जितनी अधिक बढ़ते है उसके साथ साथ बाह्य व्रत आदि होते हैं, परंतु व्रत करने से गुणस्थान नहीं बढ़ते। पहले में पहले नक्की करना है, वो तो शुभ भाव है, राग है, क्रिया तो अलग बात है,
व्रतों के परिणाम है वो राग है, और राग करते करते वितरागता नहीं होती। गुरुदेव ने कितनी बार समझाया है, गुरुदेव ने कहा, हमारे ग्रंथों में से निकाल कर बताया, उन्होंने अपने से कुछ नया सिद्धांत नहीं स्थापित किया है। कोई ऐसा मानते हैं हमारे गुरु ने ये नया इन्वेंशन किया है, नया उपन्त कुछ किया है, तो यदि सर्वज्ञ की मूल परंपरा से उसका अगर कनेक्शन नहीं है तो वो मान्य नहीं है, यानी उसको कोई सही नहीं कहेंगे। क्योंकि आजकल है ना, नए नए कुछ निकलते हैं पंथ, हैप्पी लिविंग और क्या आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग होता है। सर्वज्ञ की जो वाणी है, मूल जो आगम परंपरा है, मुनियों ने जो ग्रंथों की रचना की है, उसी आगम के आधार से हमें जाना है। अपनी ओर से उसमें कुछ नया खोज वोज नहीं करना, उसको समझने का प्रयत्न जरूर करना अपनी भाषा में। मूल परिभाषा है, मूल जो लिखा है, वो भले हमारे समझ में नहीं आएगा, फिर भी उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना है। जैसे कल बात आई थी ना, वो तो ये प्रश्न भी आ जाया है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान आत्मा के सर्व प्रदेशों में स्थित अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से उत्पन्न होता है, और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान नाभि के ऊपर शंखादि जो कोई चिन्ह है, वहाँ संबंधी आत्म प्रदेश, वहाँ जो ज्ञान कौन सा अवधि ज्ञानावरण है, उतने प्रदेशों में उसका क्षोभम हो रहा है। हमारे समझ में है ऐसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो हम उसको झूठा साबित करते। ये तो यहाँ की बात है, आगे बताते आपको। पेज नंबर 552 निकालना, 442 की टीका। ये होता है तो हाउ इज इट पॉसिबल की बात ही नहीं। जैसे हम मन के द्वारा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मन तो इतना सा यहाँ पर स्थित है, दिखता भी नहीं है। द्रव्य मन दिखाई देता है क्या? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा, वो पौद्गलिक रचना है। यहाँ कोई डॉक्टर बैठे होंगे, ओपन हार्ट सर्जरी देखी ना कहीं, पूरा ये खोलकर खोल दिया तो मन कहीं दिखाई नहीं दिया है कि नहीं वहाँ? और मन के द्वारा जानना होता है कि नहीं? वो इतना सा, तो उसके द्वारा पूरा आत्मा जानता है। ऐसा ही वो जो अवधि ज्ञानावरण का क्षोभम है, वो विशिष्ट प्रदेशों में ही होता है, गुण प्रत्यय की बात, और उसी के द्वारा यहाँ कुछ जानना हो रहा है। वो तो निमित्त रूप से उतने प्रदेशों में उसका क्षोभम चलता है। मनपरे ज्ञान में भी ऐसी बात आने वाली है। देखो 552 पेज पर 442 की टीका में, जैसे पहले कहा था, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्व अंग से उपजता है। अभी यहाँ तो ज्ञानावरण को भी हटा दिया, पूरे अंग नहीं, सर्वात्म प्रदेशों से उत्पन्न होता है, और गुण प्रत्यय शंखादिक चिन्हों से उपजता है, यानी चिन्ह ने शरीर से नहीं, आत्म प्रदेशों से। वैसे मनपरि ज्ञान द्रव्य मन से उपजता है। वहाँ तो जाकर कहेंगे आठ पंखुड़ियों के आकार की जो रचना है ना, वो पंखुड़ियों के टिप्स पर, वहाँ पर उसके मनपरि ज्ञानावरण का क्षोभम पाया जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, फिर भी जो लिखा है उसको वैसा ही हमको एक्सेप्ट करना है। ख्याल में आती है बात? अभी आगे बढ़ेंगे। अपना जो ये तो था, देवगति में संयम नहीं है किस अपेक्षा से, तो संयम किसको कहेंगे? हाँ, तीन कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक जो वितरागता है, और जिसको इतनी वितरागता है उसके बाह्य में भी मुनि योग्य ये भाव भी होते हैं, राग और वैसे शरीर आदि की क्रिया भी होती है। 28 मूलगुण पालन करने का राग, और 28 मूलगुण पालन करने की क्रिया, और वहाँ पर अंतरंग में इतनी वितरागता, इसको हम कहेंगे वहाँ संयम है। तो देवों में इसमें से क्या है, अधिक से अधिक गुणस्थान कौन सा हो सकता है देवों में? चौथे गुणस्थान का नाम ही क्या है? असंयत सम्य दृष्टि, अविरत सम्य दृष्टि। ख्याल में आते हैं? वहाँ कोई कुछ दिन नहीं खाया तो संयम पिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ क्रिया का नाम संयम नहीं है, ये हमारी मान्यता है। हमें संयम तो है ना, ऐसा हमने कुछ व्रत अंगीकार किए तो क्या कहते, अरे ये तो कुछ नहीं संयम, इसको हम तो संयम ही है ना, उसको संयम नहीं कहते। आत्मज्ञान पूर्वक ही संयम हो सकता है, बिना आत्मज्ञान के उसको संयम कहते नहीं है। ये भी बिल्कुल गुणस्थानों का अभ्यास, कोई भी अभ्यास करो, द्रव्यान योग में कहीं पर भी यही बात आती, सभी आगों में यही बात लिखी है।
और हमें उसको बिल्कुल हमारा कोई जो पूर्व का अभिप्राय है उसको छोड़कर यहाँ ज्ञानी क्या कहते हैं, आचार्यों ने क्या कहा है, उसको हमको समझना है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि भ्रम हमने ही पैदा कर लिए अपने में, कुछ मान्यता लेकर बैठे हैं और हमको सही जानना है। ख्याल में, ये किसी का निषेध यहाँ नहीं होता है, हमें सही ज्ञान करना है बस। अपनी मान्यता यदि गलत है तो उसको हमको सुधारना है, दुनिया को सुधारना नहीं है यहाँ पर, दूसरे को कोई सुधार ही नहीं सकता। तो यहाँ देखो, अभी हम अवधि ज्ञान की बात देख रहे थे। जहाँ मन है द्रव्य मन, मन पर एक की बात की, तो वहाँ के प्रदेश से मन पर एक ज्ञान उत्पन्न होगा, तो यानी वहाँ अवधि ज्ञानावरण का क्षोभम वहाँ पाया जाता है, अवधि नहीं सॉरी मन पर एक ज्ञानावरण का कर्म का क्षोभम वहाँ ही पाया जाए, लेकिन पर्याय तो मन पर एक ज्ञान की एक अखंड है। बिल्कुल है, अखंड ज्ञान की पर्याय में क्षोभम पूरा नहीं पाया जाएगा, जरूरी नहीं उसनी निमित्त से पूरा ज्ञान की एक पर्याय पूरे आत्म प्रदेशों में हो रही है इस तरह से। जैसे यहाँ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण रूप वर्ण का ग्रहण यहाँ के आत्म प्रदेशों से होता है, वहाँ जो द्रव्य इंद्रिया बनी है और आत्म प्रदेश तो यहाँ घूम रहे हैं, फिर भी जो जो आत्म प्रदेश वहाँ आते हैं वहाँ से वो वर्ण को ग्रहण करने का कार्य हो रहा है। फिर भी जो हम कहेंगे हमने रूप को देखा ने वर्ण को जाना, तो जानने की पर्याय तो पूर्ण आत्म प्रदेश, क्योंकि पर्याय जो है पूरे भाग में होती है, जैसे गुण द्रव्य के पूर्ण भाग में है उसकी पर्याय भी पूरे भाग में हो रही है। इसमें तो इंद्रिया वो तो होनी दो ना, उसकी क्या बात है, जहाँ जो होगा तो वो बात बताएंगे। इसी तरह अवधि ज्ञानावरण और मन पर एक ज्ञानावरण भी लगा। नहीं, जो आगम में कहा है वो सत्य है, वो समझने की कोशिश हमको करनी है। वो ऐसा क्यों वैसा क्यों ये प्रश्न यहाँ होता ही नहीं है, ऐसे बहुत बार प्रश्न आते हैं जो अंतरंग में स्थिरता की मिथ्या दृष्टि ने, तो पहले वो उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का ही अनुदय हो गया और उसको सम्यक्त हो गया, चौथे गुणस्थान में पहुंचा। परसों एक प्रश्न आया था पुणे से हमारे किसी भाई के, तो जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन होता है तो चौथे गुणस्थान अनंतानुबंधी का और वो दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों का क्षय करता है, तो पाँचवें गुणस्थान वाला जो है तो वो अप्रत्याख्यान का क्षय करता है कि नहीं करता? करता है। बहुत अच्छा, इन्होंने बोला, उन्होंने उनकी अकेडमी अनुमति है करने को। आप क्या कहते हैं, करने में क्या हर्जा है, करेगा ना? बहुत अच्छा, हाँ हम बताएंगे भगवान को, हाँ कि पंचम काल के कुछ कर सकते हैं, हमारी स्वीकृति है। कोई है अभ्यास वाले यहाँ पर? सिंगत कर जी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्षय कहाँ होता है? नौवे गुणस्थान में होता है। तो पांचवे गुणस्थान वाला क्षायिक क्यों क्षायिक कहलाता है? उसने दर्शन मोह का क्षय किया और अनंतानुबंधी का किया है, अप्रत्याख्यान का उदय नहीं है उसको, सत्ता में पड़ा है, कब तक रहेगा? अरे उपशम श्रेणी में तो ग्यारहवें तक पड़ेगा, शपक श्रेणी चढ़ते समय नौवे में जाकर विशिष्ट काल में ही उसका क्षय होगा। पहले फिर वेदों का क्षय हो जाएगा, बाद में शनो कषाय का होगा, बाद में इसका नंबर आएगा, ऐसा क्यों? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। हर समय वो जो तीन जो परिणाम होते हैं, जो अधकरण अपूर्वकरण वगैरह, तो उसके द्वारा कौन से पोजीशन में क्या कार्य होता है सुनिश्चित है, क्योंकि ये तीन करण परिणाम सम्यक दर्शन होते हैं तभी भी होते हैं। श्रेणी मानते उषम श्रेणी, तो वे तीन करण परिणाम मांडे, किसी ने उपशम श्रेणी मांडी तो किसी ने क्षपक, ऐसा क्यों? कभी उपशम हुआ कभी क्षय, ऐसा क्यों? हमको प्रश्न पूछते हैं, अरे हमको मालूम है उपशम श्रेणी वाले को उतरना पड़ता है, और बिचारे मुनिराज क्या कहा? ये देउल गांव राजा का वो गांव है, हम कभी गए थे वहां पर, तभी ये प्रश्न पूछा था, बिचारे मुनिराज वो उपशम श्रेणी क्यों चढ़ते हैं? अरे वो बिचारे नहीं है, बिचारे हम आप हैं। अंतरंग में स्थिरता, वो तो क्या करना है, कर्मों का कुछ करना जीव के हाथ की बात ही नहीं है, कर्मों की अवस्था कर्मों में स्वयं में होती है, जीव की भी सुनिश्चित अवस्था जीव में अपने से होती है, और वो सोच समझकर नहीं होती है। सोच समझकर होती है तो अभी करो ना समय तो प्राप्त। तो आपको कर्मों का क्षय करना है कि उपशम करना चाहिए, क्या करना चाहिए बोलो?
हम कुछ नहीं कर सकते कर्मों में। जीव अपने में स्थिर रहता है, तो जो यथा योग्य अवस्था होनी है, जीव के भी परिणाम अपने से और वो कर्मों की अवस्था उसके अपने से होती रहती है। जीव तो निराकुलता से अपने में स्थित हो जाए, अपने आप का अनुभव करता रहे, बस उसको इतना ही करना है ना, आनंद में मग्न रहना और कुछ नहीं करना है। और वो नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है, करता नहीं, करना चाहता है, कर तो कुछ कर ही नहीं सकता है। ये मान्यता में हमने अभिप्राय में कुछ गलत पकड़ के रखा है, ख्याल में आई ना बात। पांचवे वाला जीव वो कर्मों में कोई क्षय का, एक तो क्षायिक संवेदन चौथे में, पांचवे में, छठे, सातवें में कहीं पर भी हो सकता है, उसका निषेध नहीं है। अन्य कोई भी कर्म का कहीं पर भी बीच में क्षय नहीं हो सकता, क्षपक श्रेणी में। ये अभाव बोलते हैं वो द्रव्यान योग वाले बोलते हैं, कर्णान योग वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पहले हम भी कहते हैं इसका अनंतानुबंधी का अभाव किया, अप्रत्याख्यान का अभाव किया, क्योंकि हमने वही सुना था। तो फिर हमारे कोई ऐसे पहचान वाले हैं महाराष्ट्र में कर्णान योग के अभ्यास हुए, ये अभाव कहते हुए बात ठीक नहीं है। हमने कैसे ठीक नहीं है, हमने तो सुना है, देखो यहाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। सत्ता में पड़े है कर्म, कर्म की अपेक्षा बात करने, हाँ जीव के भावों का अभी वहाँ नहीं है, भाव नहीं हो रहे। और प्रत्याख्यान कषाय है चालू है चौथे वाले को, पांचवे वाले को वो भी नहीं है, पर उसको अभाव, कर्मों का अभाव मत कहो, अनुदय कहो। उदय नहीं है, सत्ता में पड़े है, उसका अनुदय चल रहा है। हाँ अभाव हम द्रव्यनियोग की अपेक्षा कहे तो कोई बात नहीं, परंतु कहने के पीछे का अभिप्राय हमारा क्या है, वो क्या उसके सर्वथा नष्ट हो गए क्या, तो नहीं है। सर्वथा नष्ट हो जाए तो वो पांचवे वाला फिर पहले गुणस्थान में आने का सवाल ही नहीं था कभी। अभाव जब तक क्षय नहीं करता है तो सत्ता में पड़े है, इसलिए गुणस्थानों में जो ऊपर नीचे जो होता है, किसी ने सम्यक तो प्राप्त किया और फिर भ्रष्ट भी हो गया। क्यों भ्रष्ट हो गया, अभी सत्ता में है सारे कर्म, ख्याल में आती है ना बात। तो ये हमें थोड़ा उसका अभ्यास होना चाहिए। और ये प्रश्न करने वाले वो आपको जानते, वो अतुल जी है बाकली वाले आपके, हाँ क्यों नहीं होता पांचवें गुणस्थान में, मैंने आपका कहना है तो हम बोलेंगे, पूछेंगे सर्वज्ञ भगवान को। नहीं होता ये फैक्ट है, और जो कर्णान योग के फैक्ट्स है उसको हमको एक्सेप्ट करना है। उसको कहते हैं अहेतुवाद आगम, आपके हेतु वहाँ नहीं चलते, जो हेतु लगाने हैं, परीक्षा करनी, वो द्रव्यान योग के सिद्धांतों में करके उसको एक्सेप्ट करना है। यही सच्चे भगवान है कि नहीं है, हाँ परीक्षा करो, एक्सेप्ट करो। देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, ये सभी तत्वों का स्वरूप, वहाँ परीक्षा करना है। और परीक्षा करके ये ऐसे ही है, अन्यथा नहीं है, ये ऐसा नक्की करना है, ये उसी में अपना ज्ञान लगाना है। ये क्यों नहीं होता, ये नहीं, मेरु पर्वत इतने हाइट वाला क्यों है? अरे जो है वो बताया है भगवान ने। तो आजकल तो वही भूकंप होता है, स्खलन होता है, मेरु पर्वत का क्यों नहीं होता है? ख्याल में आती है ना, ये कुछ बातें हैं, जैसी है वैसी हमको स्वीकारनी है। हाँ उसका सॉल्यूशन, उसका हमको कभी कभी ऐसे प्रश्न उठते कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। जब तक नहीं स्वीकार है तब तो ऐसा है वैसा एक्सेप्ट करो, बाद में जब अधिक अभ्यास हो जाएगा तो वो भी पच जाएगा थोड़ा। अभी आगे बढ़ते, 515 पेज पर देख रहे थे, उसमें बहुत सारे शब्द नए हैं, उसका थोड़ा हम देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केवल हमको आगे की बात पढ़नी है, फंस जाना ऐसी कोई बात नहीं है। इस पुस्तक में पहले बहुत सारी बातें आ चुकी है, परंतु हम डायरेक्ट ज्ञान मार्गना को पढ़ रहे हैं ना। वैसे अपने यहाँ एक बार तो पूरा शिविर हुए थे, कुछ ऐसी बातें हैं मुख्य मुख्य कि हम फिर उसको पहली वाली बातें आपको बताएंगे, याद दिलाएंगे। 515 पेज पर 377 की टीका हम पढ़ रहे थे, 377 की। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ देशावधि ज्ञान की अभी बात हम देख रहे हैं। तीन भेद तो हमने देखे, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं, असंख्यात भेद है। भेद का अर्थ क्या है, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक ज्ञान की जानने की अपेक्षा। परमावधि के भी बहुत सारे असंख्यात भेद है, सर्वावधि तो सर्वोत्कृष्ट एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो देशावधि का भेद यानी कि मिनिमम पॉसिबल जो देशावधि वाला ज्ञान जानता है। हमने देखा था अवधि ज्ञान यानी वो मर्यादा वाला है, कौन सी मर्यादा है, द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा और भाव की मर्यादा।
मर्यादा ने उसका विषय कहाँ तक, हम तक शब्द लाते हैं, यानी जो द्रव्य की अपेक्षा मर्यादा, द्रव्य में यानी स्कंद, कितने बड़े स्कंद को जानता है। तो हम आपको पूछेंगे कि कहाँ तक पढ़ सकते हैं, तो हमने कल देखा था वो कितने, चौथी लाइन तक पढ़ सकते, तो चौथी लाइन पढ़ने वाला ऊपर की तीन लाइन पढ़ रहे, वो तो आंखें जांचने को गए थे ना हम, तभी की बात है। ऐसे ही यहाँ द्रव्य की अपेक्षा कौन से स्कंद तक जानता है, ये बात चल रही थी। वो स्कंद का वर्णन बहुत कुछ अलग अलग पद्धति से कर रहे, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, फिर से पढ़ेंगे इसको। यहाँ तो ये बातें हो रही है कि औदारिक शरीर का संचय, संचय करते हैं उसका इकट्ठा होना, जैसे हमारे सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, हर समय में लेते हैं, उसमें से कुछ छूटते फिर भी कर्म का स्टॉक बहुत सारा बना रहता है, ऐसे औदारिक शरीर की बात है। हम अन्य भाव से यहाँ आए तो हर समय हम औदारिक शरीर संबंधी परमाणुओं को, वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। कर्म में हम कर्म कारमाण वर्गणा को ग्रहण करते हैं, और यहाँ आहार वर्गणा से जो औदारिक शरीर बनता है, आहार वर्गणा यह है रॉ मटेरियल, उसमें से तीन शरीर बनते हैं, औदारिक, वैक्रियक और कारमाण। यह आहार वर्गणा, आहारक, सॉरी आहारक, मैंने कारमाण कहा, यानी औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। हम यहाँ औदारिक शरीर की बात करेंगे, तो औदारिक शरीर यानी औदारिक शरीर के परमाणु हम पहले समय से ले रहे हैं, हर समय लेते, कब तक, मरण के समय तक। और यहाँ के कोई औदारिक शरीर या शरीर के कोई परमाणु परभव में साथ में आने वाले नहीं है, यही सब छोड़ेंगे। मरण के समय में एक समय प्रबद्ध ग्रहण करेंगे, परंतु जितना स्टॉक में है, जितना वो शरीर बना है, वो सारा छोड़कर जीव ही चला जाएगा। हम कहेंगे उसके कारमान शरीर और तेजस शरीर साथ में चले जाएंगे, और ये धन संपत्ति में से क्या आएगा साथ में, यदि कोई गुंजाइश होती, कोई फैसिलिटी होती कि यहाँ से कुछ धन संपत्ति ले जा सकते हैं, तो क्या होता, अभी तो जब कमाई करते हैं तो कहते नहीं, मेरे बीवी के लिए, बाल बच्चों के लिए, हाँ इनके लिए हम कमा रहे हैं, तभी तो सबका नाम लेते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम कमाई करते हैं, उनका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, उसके लिए हम कमा रहे हैं। और अगर ले जाने की अगर फैसिलिटी होती तो इतना भी नहीं छोड़ते, हाँ सब कुछ ले जाते प्रभाव में, फिर भी यहाँ इतना कमा रहे हैं कि सात पीढ़ी बैठ कर खाएंगे इतना, क्योंकि स्वाध्याय के लिए फुर्सत नहीं हमको, पेटी भरने के लिए फुर्सत है पूरे दिन भर, ख्याल में आई ना बात। तो यहाँ क्या हो रही है बात कि ये औदारिक शरीर के देखो, परंतु क्या ले जाता है, ये जो कमाने के पीछे या अन्य जो कुछ चीज़ें हम कर रहे दिन भर, उस समय जो जो परिणाम है, प्रत्येक समय, समय कितना सूक्ष्म है, और उस प्रत्येक समय के परिणाम के कारण जो कर्मबंध हो रहा है, वो कर्मबंध तो पड़ा है, वो कारमान शरीर साथ में जाएगा, उसके जो निमित्त रूप से जो बनना है, उससे उसके फल तो भोगना ही पड़ेगा। पैसा नहीं आने वाला, पैसा कमाने के पीछे जो कोई खोटे जो कोई परिणाम किए हैं, उससे जो कर्मबंध हुआ है, वो साथ में जरूर आएगा और उसका फल भोगना पड़ेगा। अभी तो अच्छा लगता है, जरा ज़्यादा पैसा आता है तो बहुत गलगली होती है अंदर से, है ना। अभी हम क्या देख रहे थे, ये कर्म की बात छोड़ दो, औदारिक शरीर की बात कर रहे हैं। तो ये हर समय जितने परमाणुओं को ग्रहण करता है, परमाणु नहीं कर्म वर्गणा को, ऐसे एक वर्गणा नहीं लेता है, एक समय में अनंत वर्गणाओं का ग्रहण होता है। वर्गणा एक स्कंध को कह रहे हैं अभी यहाँ पर, ऐसे कर्म अभी नो कर्म वर्गणा, औदारिक शरीर संबंधी वर्गणा की बात चल रही है, हमारी कर्म की बात नहीं है। तो एक समय में कितने परमाणुओं का ग्रहण करता है, अनंत वर्गणाओं को ग्रहण करता है। देखो ये बात आपको बता रहे हैं यहाँ से, ये समय प्रबद्ध किसको कहना, पेज नंबर 357 निकालो, 245 की टीका। हाँ आपका ये प्रश्न है,
औदारिक शरीर का जो ग्रहण होता है वो खाने पीने से होता है, ऐसा इनका प्रश्न है। हाँ, तो हमने 10 उपवास के लिए मास का, एक मास का उपवास किया आदिनाथ ने 6 महीने तक, नहीं तो तुम उनको कहाँ से बना शरीर का, तब तक शरीर रुक गया बनने से, केवल निकल गए और कुछ ग्रहण नहीं था। कहते उसमें से नहीं ग्रहण होता है, आत्मा के जितने प्रदेश है उन सर्वांग प्रदेशों में योग यानी जो कंपन है वो कंपन से कर्म भी आते हैं और नौ कर्म यानी शरीर के परमाणु भी आते हैं। नहीं तो अभी देव हमने देखे इतने इतने हजारों वर्षों तक कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो उनके शरीर बनेंगे कि नहीं वैकृत, वो कैसे बनेंगे हाँ? देवों के आहार वर्गना बात अलग है और आहार भोजन करते वो अलग है। आहार भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक कर्म आहार, आहार आहरण यानी ग्रहण करना, कर्म का आहार, नौ कर्म यानी शरीर के परमाणु को ग्रहण करते उसको नौ कर्म आहार कहते हैं, मुंह से जो कहते उसको कवलाहार कहते हैं। ये मराठी में ना वदन कवल घेता, नाम घ्या श्री हरि से, अच्छा तो वो है कवलाहार। और कोई मालूम है, एक होता है लेपाहार, लेपा यानी लोकल एप्लीकेशन, तेल मालिश पाम जो जो कुछ लगाते वो तो एब्सॉर्ब होता है ना अंदर, वो है लेपाहार। एक होता है ओजाहार, अंडों में जो होता है वो तो हम, और एक होता है मानसिक आहार देवों का। आहार का अर्थ होता है ग्रहण करना, हमने आहार वर्गना कहा, आहार वर्गना ये रॉ मटेरियल है, पूरे लोक में फैले हुए है, जहाँ जीव के प्रदेश है वहाँ पर भी वो है। तो जो जीव के योग के कारण कर्म भी आते हैं और नौ कर्म भी आते हैं, उसके लिए निमित्त क्या है, हमारा बहुत बार विषय हुआ था। हाँ हाँ, निमित्त क्या है, नाम कर्म, कौन सा शरीर नाम कर्म, कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से कर्म वर्गना का ग्रहण होता है, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक जाति के यानी जो आहार वर्गना का, आहार वर्गना कहा, आहार ये नहीं कहा, उसका ग्रहण होता है। तो तीर्यंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो वो औदारिक के लिए जो योग्य वर्गना है उसका ग्रहण करते हैं। देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो उस जाति के परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, उसमें से वैक्रियक शरीर बनता है, और हम आप जो वर्गना ग्रहण करते उसमें से औदारिक शरीर बनता है, ये उसका रॉ मटेरियल है, उन वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं। तो एक समय में कितना ग्रहण करते हैं उसका नाम है एक समय प्रबद्ध। तो एक समय प्रबद्ध में कितनी वर्गणा होती है, तो कहते अनंत वर्गणा होती है। और एक वर्गणा में परमाणु कितने होते हैं, तो कहते अनंत होते हैं। उसी की बात हम आपको बता रहे हैं पेज नंबर 245 पर, नहीं सॉरी गाथा 245 पर, पेज नंबर 357 पर, देखो पेज नंबर 357, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा, ऐसा जो मध्यम अनंतानंत का भेद, यानी पर्टिकुलर अनंत अपनी भाषा में, क्योंकि अनंत के भी अनंत भेद है, वहाँ पर भी परितानंत युक्तानंत और अनंतानंत के भेद होते हैं, इसमें से मध्यम अनंतानंत का कोई भेद, कोई एक भेद। इतने पुद्गल परमाणुओं का जो एक स्कंध होता है उसका वर्गणा ऐसा नाम है, उनको वर्गणा कहेंगे। ये संख्यात परमाणुओं का जो स्कंध होता है उसको भी वर्गणा कह सकते हैं, एक एक अणु को भी अणुवर्गणा कहते, उसकी बात यहाँ नहीं है। पुद्गल के जो 23 वर्गणाएँ बताई है उसमें से सिंगल परमाणु को अणुवर्गणा कहा है, फिर द्व्यणुक स्कंध है, त्रिअणुक स्कंध है, चतुरणुक स्कंध है, संख्यात अणुओं का स्कंध है, असंख्यात अणुओं का स्कंध है, अनंत अणुओं का स्कंध है, उसकी बात नहीं। जीव जो ग्रहण करता है वो जो जीव के ग्राह्य जो वर्गणा है, जीव जिनका ग्रहण करता है वो 5 ही वर्गणा है ना। तो उसमें से जो आहार वर्गणा है कौन कौन सी मालूम है कि नहीं, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमान। जीव तो इतना ही को ग्रहण करता है,
अभी हमारे प्रयोजन औदारिक शरीर संबंधी चल रहा है। तो यहाँ कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन, तथापि, यानी अनेक वर्गणा है, तथापि औदारिक आदि शरीरों के प्रकरण में आहार वर्गणा, आदि में वो औदारिक शरीर, तेजस शरीर वगैरह सबको लेना, वा तेजस वर्गणा वा कारमाण वर्गणा, ये कर्म शरीर के लिए कारमाण वर्गणा का ही ग्रहण जानना। अब देखिए, पुनश्च सिद्धों के अनंत विभाग और अभयों से अनंत गुणी ऐसी मध्यम अनंतानंत प्रमाण वर्गणा, पहले में क्या था, एक वर्गणा में इतने ही मध्यम अनंतानंत इतके इतने परमाणु है और इतनी ही अनंतानंत वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध होता है। फिर से, जीव एक समय में जितने परमाणुओं को ग्रहण करता है उस सब का नाम मिलकर एक समय प्रबद्ध, प्रबद्ध ने बंधा, एक समय में कितना ग्रहण किया उसको एक समय प्रबद्ध कहेंगे। तो उसमें कितनी वर्गणाएं ग्रहण करता है तो अनंतानंत, और एक एक वर्गणा में परमाणु कितने तो अनंतानंत, ख्याल में आई ना बात, एक समय प्रबद्ध में वर्गणा अनंतानंत और एक एक वर्गणा में परमाणु अनंतानंत, इतने परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? हाँ, आगे बढ़ो। अभी तो उसको स्कंध कह सकते, इस प्रकरण में, इस प्रकरण में हर जगह वर्गणा का अर्थ स्कंध नहीं होता, क्योंकि अनुभाग के प्रकरण में जब कर्म बन गए, कारमाण वर्गणा तो रॉ मटेरियल है, उससे कर्म बन गया। अभी कर्मों की जब अनुभाग रचना बताते हैं, निषेक में तो उसकी बात अलग है, उसको निषेक कह रहे हैं। निषेक क्या बताते हैं, एक साथ उदय में आने योग्य है, उसको निषेक कहते हैं। अनुभाग को बताने वाले जिनकी जिनकी समान शक्ति है, ऐसे परमाणुओं को, समूह को वर्गणा कहते हैं, आपको याद होगा। तो अनेक वर्गणाओं को, अनंतानंत वर्गणाओं को एक स्पर्धक कहा, तो वहाँ वर्गणा का अलग अर्थ है। वर्गणा शब्द अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में आता है, वो तो गणित की टर्मिनोलॉजी है वहाँ पर। अभी उसमें वो वर्गणाओं से उसका सारा वो जो कुछ कैसे कौन से में कितने परमाणु होते, वो सारा गणित है, इतना गणित है अपने इसमें शास्त्र में, वो बात अलग है। यानी हर जगह वर्गणा का अर्थ स्कंध ऐसा नहीं समझना है। और बताओ, जीव के जो योग है, जीव में प्रदेश कितने हैं जीव के, उसमें कम ज़्यादा होते होंगे नहीं होते, तो असंख्यात प्रदेश है। तो जिन जिन प्रदेशों में समान योग होता है, अभी सर्वात्म प्रदेश, कहीं प्रदेश इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, जिनमें जिनमें योग की समानता है, उन सभी प्रदेशों को एक लाइन में हम लिखेंगे, वो प्रदेश इकट्ठे नहीं आने वाले। ये हमारे ग्राफ है, जैसे पेपर में आता है ना आपके स्टॉक का, शेयर्स का ऊपर नीचे होता है, यह हम एक लाइन में बताएंगे उस सभी प्रदेशों को, और उसको कहेंगे ये वर्गणा है, योगों की वर्गणा है। फिर ये योगों की दूसरी वर्गणा है, उसमें योग ज़्यादा है, ये योग की तीसरी वर्गणा है, ऐसे असंख्यात वर्गणाओं का हम कहेंगे योग का एक स्पर्धक हुआ। जैसे कर्मों में ये टर्मिनोलॉजी, वैसे योग के बारे में आत्म प्रदेशों को हम कहेंगे। यानी वो अकेले वर्गणा का अर्थ स्कंध ऐसा नहीं लेना, अलग अलग विषयों में उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। स्कंध का अर्थ है परमाणुओं का जट्ठा, परंतु वर्गणा को कहीं कहीं स्कंध भी कह देंगे, कोई बात नहीं है, परंतु सर्वत्र उसका वो अर्थ नहीं होता, ये बात हमें ख्याल में आना चाहिए। अब यहाँ जीव जो शरीर और कर्म शरीर के संबंधी या इस औदारिक आदि शरीर संबंधी जो परमाणु ग्रहण कर रहा है, उसको वहाँ वर्गणा कहा, उसको स्कंध भी कहे तो कोई बात नहीं वहाँ पर, ख्याल में आती बात ये। देखो यहाँ क्या कहते हैं, समय प्रबद्ध किसको कहना, एक समय में इतने अनंतानंत परमाणु जीव ने ग्रहण किए उसको कहेंगे समय प्रबद्ध। यहाँ औदारिक शरीर की बात चल रही है, कर्म की नहीं। आगे बढ़ेंगे, तो ये समय प्रबद्ध कितने परमाणु लेता है ये कौन नक्की करता है? योग, योग योग जो है वो हीनाधिक होता रहता है, एक समान योग नहीं रहता कांस्टेंट, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। अभी उसमें भी वो शरीर नाम कर्म का उदय, बहुत सारे वो निमित्त के रूप से बहुत अलग, उसकी बात अपनी चर्चा नहीं करनी है, परिणाम से नहीं होता योग,
कषाय अलग बात है, योग अलग बात है, तीव्र कषाय अभी उसमें कोई अलग अलग जगह निमित्त बनता है कर्मों में, वो बात अलग है, उसकी बात यहाँ नहीं लेना है। जैसे हमने देखा ना कितने प्रदेश यानी परमाणु कितने में आते हैं, वो योग पर ही निर्भर है। जहाँ योग ज़्यादा है वहाँ परमाणु अधिक आते हैं, जहाँ योग कम है वहाँ परमाणु कम आते, फिर भी अनंतों में ही होते हैं। अभी इतनी तो बात हो गई, अब आगे देखना है अपना। अपना जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या बात आई थी, 515 पर थे ना शायद। तो ये औदारिक शरीर का संचय, ये तो एक समय में कितना ग्रहण किया तो हमने देखे थे, हर समय में ऐसा ग्रहण चल रहा है और हर समय में एक समय प्रबद्ध प्रमाण एक एक निषेक तो खिरता भी है, तो उसका संचय कितना बना रहता है, या हम कहेंगे मरण के समय तक कितना संचय रहेगा। क्योंकि अभी क्या है, हमने जितने परमाणु लिए औदारिक शरीर के, हम मानते हैं 100 साल का कोई आयु लेकर जन्मा है, तो उसने पहले समय में एक समय प्रबद्ध का ग्रहण किया, उसकी निषेक रचना होती है, दूसरे ही समय से उसमें से कुछ परमाणु छूटते हैं। कितने छूटते हैं, पहला निषेक जो निषेक है ना, हम ऐसे आड़ी लाइन में बताएंगे उसको, परमाणुओं का एक एक समूह पहले समय में छूटेगा, दूसरे समय में छूटेगा, तो उसकी स्थिति कितनी बनेगी, आयु प्रमाण। पहले समय में जितने परमाणु ग्रहण किए हैं उसमें निषेक कितने बनेंगे, तो 100 साल के जितने समय है उतने। अब मान लेते वो 10 साल का हुआ, तभी जो समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा उसकी स्थिति कितनी बनेगी, 90 साल जितने। जो पहले के निषेक है उसमें ये निषेक ऐड होते चले जाएंगे। अभी वो 50 साल का हुआ, अब जो नया समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा उसके 50 साल के जितने हैं उसमें उसके निषेक बनेंगे। और हर समय कुछ नहीं, स्टॉक में तो इतना है ना उसका, तो उसको कितना स्टॉक होता है, तो समय प्रबद्ध को 1.5 गुणहानि से गुणित करने पर जितना होता है उतना। ये 1.5 गुणहानि क्या होती है, गुणहानि क्या होती है, तो हमने देखा ना ये निषेक रचना होती है, निषेक रचना ने पहला निषेक उसमें वो एक साथ खिर जाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा, पहले निषेक में जितने परमाणु हैं दूसरे में थोड़े कम हैं, फिर थोड़े कम हैं, फिर थोड़े कम हैं, जब उसकी संख्या आधी होती है तो कितने समयों में जाकर आधी हुई, उसको कहेंगे 1 गुणहानि, गुणित प्रमाण में हानि आधी हो जाती। जिस निषेक में संख्या आधी हुई वो उन निषेकों को हम गिनते हैं और उसको कहेंगे ये 1 गुणहानि का प्रमाण है। औदारिक शरीर के संबंध में उसका गुणहानि का प्रमाण अंतर्मूर्त है, कर्मों के प्रकरण में गुणहानि का प्रमाण पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग है। तो उसका जो गुणहानि का प्रमाण है उसको 1.5 गुना करो, आयु फिक्स है उसकी बात नहीं, निषेक रचना जो हुई है उसमें से कितने जाकर उसका आधा होता है उसको कहेंगे गुणहानि। और वो क्योंकि ऐसी अनेक गुणहानियाँ होती हैं, उससे आयु का कुछ सवाल नहीं है। हाँ, आयु तो फिक्स है, तो उतने उसके गुणहानियाँ बनेगी अलग अलग। जैसे कोई नारकी है तो नारकी में तो 33 सागर की जो कोई आयु वाला है तो उसे एक समय में जितना ग्रहण करता है उसके 33 सागर तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी हर समय में बंधा हुआ कोई ना कोई एक निषेक मरण के समय तक है ही है, ये कहना चाहते हैं। उसके स्टॉक में हर समय कितना रहता है, तो 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध, ये उसका कर्म या नौकर्म का इतना उसका संचय कहलाता है। इसकी बहुत विस्तार से जानकारी इसमें भी है, कर्मकांड में भी है, वो संदृष्टि अधिकार में भी है, वो 1.5 गुणहानि वाली 10 रुपये वाली सीढ़ी भी है। अभी 2-3 ही बच्ची होगी, पता नहीं कितनी है। तो ये किसको कहना, तो इतना संचय हुआ है, यानी औदारिक शरीर के परमाणु हर समय भले ग्रहण करता है हर समय छोड़ता है फिर भी इतने बने रहते, ये उसका अर्थ है। क्योंकि कोई ऐसा शब्द आता है उसका अर्थ नहीं समझते, हम आगे जरूर बढ़ते हैं, उसका क्या अर्थ है ये एक बार सुने तो सही, भले हम उसको बता नहीं सकते, हम आपको परीक्षा नहीं लेने वाले, शिविर में हम कभी परीक्षा नहीं रखते, इन तो कोई बैठेगी नहीं है, है? तो अभी हम जो पढ़े थे, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे थे, जघन्य जो देशावधि है वो कौन से स्कंध को जानता है, यानी कौन से स्कंध तक को जानता है, यानी इससे छोटे स्कंध को नहीं जानेगा,
पर यहाँ तक को जानेगा। तो उसके लिए क्या हमने देखा था कि मध्यम योग से, क्योंकि योग हीनाधिक होता है, मध्यम योग से जो उसने समय प्रबद्ध औदारिक शरीर के ग्रहण किए हैं, तो सत्ता में, वो पहले समय की बात नहीं करना, पर सत्ता में कितने होता है, डेढ़ गुना हानिगुणित समय प्रबद्ध, ये औदारिक शरीर का संचय, संचय ने उसका इकट्ठा हुआ परमाणुओं का समूह इतना होता है। तो वो भी उसको हमने विसरसोपचय सहित लिया का, कल हमने विसरसोपचय को देखा था। एक एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंतानंत गुणे ऐसे अन्य परमाणु उसके स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण उसके साथ बंधे हुए है, उसका स्कंद बन गया है, उसको कहेंगे विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर का संचय वाला द्रव्य। यहाँ तक बात ख्याल में आई? इसको फिर हमने लोक से भाग दिया था, यहाँ देखो उसको लोक प्रमाण असंख्यात का भाग देने का 515 पेज पर चौथी लाइन पढ़ रही हूँ। जो एक भाग मात्र द्रव्य हो, तो इसमें भी क्या लिखा था उन्होंने, देखो औदारिक का समय प्रबद्ध, तो हमने क्या होता वो तो देखा था। तो कहते कि उसको जगन्य अवधि ज्ञान का जो है वो जानता है, देशावधि वाला, उससे छोटे स्कंद को नहीं जानता। कुछ तो इमेजिन किया ना कि इतना औदारिक शरीर का संचय है, उसको लोक से भाग देना और उसका जो एक वाला जो एक भाग प्रमाण जो स्कंद है उतने स्कंद को जानता है। अब आगे देखते हैं, जगन्य योग से जो संचय निपजता है वह इससे सूक्ष्म होता है, इसलिए उसको जानने की शक्ति नहीं है, और उत्कृष्ट योग से जो संचय निपजता है वह इससे बहुत बड़ा है, उसको तो जाने का ही जानेगा, इसलिए उसकी बात छोड़ दी। यहाँ जो सूक्ष्म और स्थूल कहा है वो क्वांटिटी अपेक्षा है कि साइज अपेक्षा, उसकी अवगाहना लेना है, उसकी अवगाहना लेना। क्षेत्र ने कहाँ तक जानता है वो तो अभी हमने निकाला नहीं, ये द्रव्य की अपेक्षा चल रही है, द्रव्य ने कौन से साइज वाले स्कंद तक को जानता है उसकी बात यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि उत्कृष्ट योग से अधिक परमाणु ग्रहण होते हैं। निकालो पेज 361, 251 की टीका, ये कर्मों में भी और नौ कर्मों में भी अधिक परमाणुओं का ग्रहण कब होता है या उत्कृष्ट संचय कब होता है, या तो योग उत्कृष्ट योग से अधिक परमाणु लेगा या परमाणु अधिक, यानी वो खिरने वाले परमाणु कम खिरेगे रहेगी सत्ता में, ऐसा भी हो सकता है, या औदारिक शरीर के बारे में जो आयु ज़्यादा होगी तो उसका संचय भी ज़्यादा होगा, ऐसा है ना। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने बात बताई है, उसमें ये छः नाम देखते हम केवल। देखो 251 की टीका में गुणित कर्मांश, उसको गुणित कर्मांश कहते हैं जिसको उत्कृष्ट संचय है, जिसके उत्कृष्ट संचय होता है ऐसे जीव में उत्कृष्ट संचय के कारणभूत छह अवश्य होते हैं। तो उसके कौन से है, भवाध्याय ने भव ने वो तो आयु जो इन्हें उसका काल कितना है, आयुर्बल, पहले हम नाम पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ देखेंगे, योग संक्लेश अपकर्षण और उत्कर्षण। अब यही बात इसका अर्थ हम 379 पेज पर देखेंगे, 379 भावार्थ, पहले उत्कृष्ट संचय होने में छह आवश्यक कहते जो अभी हमने पढ़े थे 361 पेज पर, वे यथा संभव जान लेना। पर्याय संबंधी काल वो भवाध्य है, अध्ययन काल, पर्याय ने मनुष्य भव या जो कोई भव है उसका जो काल है आयु जितनी है उसको उतनो कहा। आयु बंध जगन्य योग से उसका प्रमाण वो आयुष्य है, आयु में आयु का कितनी आयु वो नहीं लेना, आयु जब बन रही है, देखो इसको क्यों लेना, आयु बंध के समय जो योग से जो परमाणु ग्रहण करेंगे वो आठ में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जब आयु नहीं बनती है तो सात में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कर्मों में, इसलिए वहाँ कर्मों की अपेक्षा उसको लेना। यहाँ शरीर के में उसमें कोई बात नहीं है, शरीर के परमाणु तो उसका अलग से हिसाब होता है, ये कर्मों में ये अप्लाई होते हैं। योग तीव्र या मध्य या जघन्य होता है उतने परमाणु अधिक या कम होते हैं, तीव्र कषाय संक्लेश होते तो संक्लेश में क्या होता है तो उत्कर्षण वगैरह होकर परमाणु संचय में पड़े रहते, थोड़े परमाणु खिरते हैं,
उसके बहुत सारे ऐसे नियम हैं, और अपकर्षण, ये उसके कुछ नियम बताए हैं हमें। आयु में आयु का बंद होने का काल लेना, आयु कितने काल तक बनती है, हाँ। तो जितने काल तक आयु बनती है उसमें अन्य वहाँ कर्मों की अपेक्षा लगानी, अन्य कर्मों में परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है क्योंकि परमाणु 8 कर्मों में बट रहे हैं। यहाँ औदारिक शरीर में वैसा नहीं लेना है, वो उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ तो केवल योग की बात मुख्यता से ली उन्होंने। अब हम उसके डिटेल्स को छोड़कर हम इतना ही जानेंगे, जघन्य देशावधि ज्ञान मान लेते इतने सूक्ष्म स्कंध को जान रहे हैं, वो तो आँखों से नहीं दिख रहा है, अवधि ज्ञानी उसको अवधि ज्ञान से आत्म प्रदेशों से प्रत्यक्ष जानता है। अवधि ज्ञान ये विकल्प प्रत्यक्ष कहा ना, उसके लिए इंद्रिया या उसके किसी सहायता से वो नहीं जान रहा है, उसको ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट उस संबंधी उसको ज्ञान हो रहा है। आपका ऐसा प्रश्न है कि सूक्ष्म कर्म ही सूक्ष्म होते हैं, बाकी कुछ सूक्ष्म होता ही नहीं है, बाकी सूक्ष्म नहीं होता है तो माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं, बोलो। यहाँ खून का बिंदु है तो बोलो उसमें कितने RBC है, देख के बताओ। हम जांच करते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास, उसमें RBC कितने हैं, WBC कितने हैं, ये क्या है क्या है, क्यों करते हैं, क्योंकि वो इंद्रिया उसको जानने के लिए समर्थ नहीं है, फिर भी वो माइक्रोस्कोप से दिख रहे हैं, परंतु उससे भी सूक्ष्म हो गए कि नहीं, कुछ स्कंद बहुत सारे हो गए। अभी कोई जीव मर जाता है तो हमने देखा था कारमान एक समय प्रबद्ध कितना होगा, और उसको 1.5 गुना यानी पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणा करो तो इतना उसका पूरा शरीर होगा, उसका विसरसोपचय देखा, तेजस शरीर और उसका विसरसोपचय, और इन सबका ढेर, 4 ढेर है ना, इस सहित वो जीव जा रहा है परभव में, तो दिखाई देता है कि नहीं देता, वो सूक्ष्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं सूक्ष्म जो आँखों से इंद्रियों से नहीं ग्राह्य है, बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं, ख्याल में आती है ना बात। हम आप बैठे हैं तो बीच में कोई जीव है कि नहीं है और सारे वो अपने अपने शरीर और अपने अपने कर्म और नव कर्म तेजस सहित है, क्या दिख रहा है हमें, कुछ नहीं है, हाँ। वो कौन सा अवधि वाला क्या जानता है, उसकी लिमिट है, अकेला कर्म ही सूक्ष्म है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ बहुत अच्छा है आप कौन सा अवधि ज्ञान चाहते पहले ये बोलो, हम आपको ट्रिक बताएंगे आप सर्वावधि चाहते हैं कि परमावधि चाहते हैं कि देशावधि से खुश हो गए, देशावधि चाहिए क्योंकि वो मुनि नहीं होना चाहते देशावधि ठीक है, तो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे अभी बोलो। पुरुषार्थ कहना किसको पहले ये नक्की करते हैं, पहले हम नक्की करते हैं पुरुषार्थ करना है ने क्या करना, क्योंकि वो शारीरिक जो तंदुरुस्ती के लिए तो सुबह उठना चाहिए, घूमना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लिमिटेड वैसे खाना चाहिए, हमने पुरुषार्थ किया और शरीर को तंदुरुस्त बनाए, बराबर है ना। किसी एक द्रव्य का पुरुषार्थ दूसरे द्रव्य में चलता ही नहीं है, तो अवधि ज्ञान आप चाहते क्यों हैं पहले नक्की करो, किसको अवधि ज्ञान से क्या जानना चाहते हैं, आज भोजन में क्या बना होगा अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थों को जानने में काम आता है, हमें अवधि ज्ञान की महत्ता आती है, हमें अपने स्वभाव की महत्ता नहीं आती। अभी मति शुद्ध ज्ञान से आप जानते हैं नहीं, ये सही उनके प्रश्न का मैं सही रूप से उत्तर देना चाहती हूँ कि मति शुद्ध ज्ञान से आपने आंखें खोली और आपको ये बोर्ड दिखा, ये वाइट दिखा और उसके ऊपर कुछ लेटर, आपने क्या पुरुषार्थ किया, क्या पुरुषार्थ किया,
पुरुषार्थ का अर्थ हम ऐसा समझते हैं कि सोच समझकर बुद्धिपूर्वक हम कुछ करेंगे तो उसको पुरुषार्थ समझते हैं। हाँ, लक्ष्य तो गया, तो लक्ष्य गया तो उस वहाँ का ज्ञान हुआ। आपने जानने के लिए क्या किया? लक्ष्य तो घुमाता है, क्यों घुमाता है? हाँ, वो जानने के लिए उसकी रुचि है, इसलिए उसका उपयोग किया उसने। तो उपयोग किया, परंतु जानना, वो जानना कैसा उसने उपयोग किया? तो आपने वहाँ उसका उपयोग किया, परंतु वो जानने में आया वो काला है कि लाल है, उपयोग आपने वहाँ कर दिया। वो काला है कि लाल है आपके ख्याल में आया, उसके लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया? अरे, जानना ये जीव का स्वभाव है, स्वभाव तो है, और जो जानने रूप कार्य होता है वो जानना इटसेल्फ उसका वो पुरुषार्थ है। प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में पांच समवाय होते ही है, वो अपने उपादान से ही होता है, वहाँ निमित्त रूप से जो कुछ हम कहेंगे उसको, परंतु उपादान में ही वो स्वभाव भी है, पुरुषार्थ भी है, काल लब्धि भी है, होनहार भी है। ख्याल में है ना? जो कार्य, जो पर्याय पलटी, पूर्व में अन्य पर्याय थी, जो नई पर्याय हुई, यही तो उसका पुरुषार्थ हुआ। हम तो पुरुषार्थ यानी कुछ अन्य करना चाहते हैं और उसके कारण ये होगा ऐसा मानते हैं। पुरुषार्थ यानी हम अभी कुछ तप करेंगे, ध्यान करेंगे, ऐसे स्थिरता से बैठेंगे तो हमको अवधि ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा मानते हैं। इसी को पुरुषार्थ समझते हैं ना? क्यों है? हमें आत्मा का अनुभव करना है तो कहते हैं नहीं, पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करना है? ये जो भगवान ने बताए हुए सिद्धांतों को हमारे ज्ञान में निर्णय करके एक्सेप्ट करना, यही पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम तो पुरुषार्थ देने कुछ करना चाहते किस में? या तो शुभ शुभ भावों में या शरीर की क्रिया में। अरे, हम जीव है और जीव जो कुछ कर सकता है वो कर ही रहा है, हम तो जान ही रहे हर समय, परंतु हमने अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं माना। ये मान्यता में सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। अपने को मात्र मैं मनुष्य हूँ और ये मेरे कार्य है, और मैं ये नहीं करना चाहता, ये करना चाहता हूँ, ये सब गड़बड़ी घोटाले का प्रकरण का मूल यहीं पर है। ये भी अभ्यास से, स्वाध्याय से, क्योंकि ये हमारा जो किसका अभ्यास, शरीर मैं हूँ, ये अभ्यास कब से चल रहा था? हाँ, अनादि से। तो उसके दृढ़तर इतने संस्कार हुए हैं और हम कहते हैं नहीं, अभी संस्कार रेडो रेडो, वो तो गुजराती लोग रेडो कहते हैं ना, इन्हें अभी संस्कार डालो और काम हो जाएगा प्रभाव में। अभी अभी नहीं करना चाहते, अभी मात्र संस्कार में खुश है। देखो, स्वाध्याय से इसको, जिसको नहीं हो रहा है, उसको आकुलता होती है, उसको भी कोई बात नहीं, अभी पढ़ो, संस्कार हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा। परंतु ये मिथ्या तो शरीर मैं हूँ रूपी संस्कार कब से है? तो अनादि से है, और हर नया शरीर धारण करता है तो संस्कार और दृढ़ हो रहे हैं। ये आत्मभावना में बहुत अच्छी बात बताई, इतनी बात सब अभी मिलेगी आपको सीढ़ी सब। हाँ, गुरुदेव के प्रवचन जो है ना, आत्मभावना समाधि तंत्र के ऊपर गुरुदेव के प्रवचन, गुजराती में पढ़कर हिंदी में समझाया उसको, गजब के प्रवचन है, गजब के। हाँ, 100 रुपये में वो भी मिलेगा, और अष्टपावड़ है ना दूसरा, अष्टपावड़ ग्रंथ पर गुरुदेव ने जो प्रवचन किए थे गुजराती, और वो प्रवचन सभी छपे नहीं है पुस्तक रूप से। हमने तो कहीं कहीं वो तो प्रवचन प्रसाद वाले पुराने वो कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के उसके सब जीरोक्स बनाई थी, उसको पढ़कर वो समझाया। बहुत कहीं कहीं से खटपट की थी, हमारे यहाँ जितने बैठते सबके लिए जीरोक्स का इतना इतना गट्ठा दिया था, और फिर उसको पढ़कर उसको समझाया है पूरा अष्टपावड़। उसके सारे सीडी मिलेगी, अभी 35 सीडी मिलेगी। देखो, यहाँ हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर अपना विषय चल रहा था पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। क्योंकि अवधि ज्ञान की महत्ता आती है, क्योंकि अवधि ज्ञान लगाया और जान लिया, अवधि ज्ञान लगाया जाना, पर को जानने की इतनी रुचि पड़ी है ना, परंतु ये अवधि ज्ञान भी हमें अपने को जानना है। अवधि ज्ञान का क्या काम है वहाँ? अवधि ज्ञान से आत्मा को नहीं जान रहे हैं, ख्याल में आती है ना बात? तो ऐसा लगे अवधि ज्ञान लगाएंगे और इसको जानेंगे, अवधि ज्ञान लगाएंगे उसको जानेंगे, फिर टीवी का भी काम नहीं चलेगा, अवधि ज्ञान से सब कुछ सीरियल्स जानते रहेंगे, है ना? समोसरण दिखाई देगा,
सुनाई देगा, क्या क्या होगा पता नहीं है। देखो हमें अपनी, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, अरे अवधि ज्ञान तो एक पर्याय है, केवल ज्ञान की भी नहीं, वो केवल ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो मेरे स्वभाव में से उत्पन्न होता है, और ऐसा स्वभाव हर पर्याय के पीछे पड़ा है। अभी श्रुतमति श्रुत ज्ञान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम पर्याय मात्र अपने को देख रहे हैं, उस उत्रूप अपने को अनुभव कर रहे हैं, हमें तो अपने को स्वभाव भाव रूप अनुभव करना है, क्योंकि पर्याय हिमालय पर होगी और द्रव्य कहाँ होगा, कन्याकुमारी में। हम उनको इतना ऐसा भेद करके भिन्न कर देते हैं, अरे जिस समय जो पर्याय है द्रव्य उस तद्रूप परिणमता है, उस समय 308 से 311 ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव पुस्तक है ना, इतनी गजब की है, क्या करें, गुरुदेव ने उसमें तो कमाल कर दिया है। अभी अपना समय होने को आया है, ये पुरुषार्थ से कोई पर्याय नहीं, यानी वो उसको पुरुषार्थ कहने में आता है, वो अपने पुरुषार्थ से होती है, परंतु हम कोई जो अन्य पुरुषार्थ मानते हैं कि हमको अवधि ज्ञान चाहिए इसलिए हमको विशिष्ट चीज़ करनी चाहिए, उस बात में कुछ दम नहीं है। बाकी बात हम आगे करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।